हेलो सुपर फ्रेंड्स यार, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक है? बहुत ज्यादा बढ़िया होगी। तो यार जब भी हम सुपरमैन का नाम लेते हैं हमारे माइंड में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड लाइक सुपर हीरो की पिक्चर क्रिएट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली सुपरमैन है ही इतना ज्यादा ताकतवर, पूरी जस्टिस लीग को अकेले हरा चुका है, पावरफुल से पावरफुल विलन को एक या दो पंचेज में ही ढेर कर देता है। तो आज इस वीडियो में हम ब्लैक सुपरमैन को कंपेयर करने वाले हैं मार्वल के सबसे पावरफुल एंड सबसे एडवांस रेस एस गार्डियंस के साथ। एंड लिटरली ये वीडियो DCEU वर्सेस MCU के बीच में रहने वाली है। और एस गार्डियंस जो है ना, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एस गार्डियंस लाइक थॉर, लोकी, हेला, ओडिन एंड जितने भी एस गार्डियन वॉरियर्स है एंड एस गार्ड के नॉर्मल पीपल्स, हम सभी को इंक्लूड करेंगे इस वीडियो में एंड इन सभी को कंपेयर करेंगे ब्लैक सुपरमैन के साथ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है हर शब यूट्यूब चैनल के साथ, तो इस वीडियो में तुम्हें दो क्रिएटर्स का काम देखने को मिलेगा। और अगर वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हर शब यूट्यूब चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर के भी उनको फुल सपोर्ट कीजिए। तो बिल्कुल यार, इस वीडियो में आधी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, आधी हर्ष हब यूट्यूब चैनल के क्रिएटर देंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं यार, है ना। सबसे पहले हम सुपरमैन की पावर एंड एबिलिटीज को देख लेते हैं। तो वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष हब। तो आज मैं आया हूं नेक्स्ट जेन कॉमिक के साथ एक कोलैब करने के लिए। तो कोलैब का टॉपिक तो पता चल ही होगा थंबनेल देख के, जो कि है अपना ब्लैक सुपरमैन वर्सेस एस गार्डियंस। तो वीडियो का ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस नेक्शन कॉमिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। आपको मेरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन हुई मिल जाएगी, जाके इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो मेरे साथ। तो बस अब मैं आपको ब्लैक सुपरमैन की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बताऊंगा। तो बस ब्लैक सुपरमैन जो है वो सुपरमैन का एक वर्जन है, आप सुपरमैन का एक वर्जन समझ सकते हैं। बस सुपरमैन ने इसमें ब्लैक सूट पहना होता है। गाइस ये अभी हमको दिखाया गया है मूवी में, जो कि जस्टिस लीग स्नाइडर कट में हमको सुपरमैन दिखाया गया है। गाइस सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज पहले ही गॉड लाइक हैं। अगर सुपरमैन की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज में हम डिस्कस करें तो उसके पास आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टैमिना, सुपर स्पीड। गाइस सुपरमैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो एक एलियन स्पीशीज का है। सुपरमैन की बस अगर मैं आपको उसकी वीकनेस के बारे में बताऊंगा, पर थोड़ा आगे बताऊंगा। अगर सुपरमैन कुछ फीट्स की बात करें तो सुपरमैन के फीट्स बहुत ही ज़्यादा फीट्स हैं। सबसे पहली बात तो कही, सुपरमैन चाहे तो एक ही पंच में पूरे के पूरे मून को ब्लास्ट कर सकता है। उसने एक बार तो पूरे अर्थ के वजन, जैसे मतलब एक ऐसी मशीन थी जिसमें पूरे अर्थ का वजन आ गया था, और सुपरमैन ने दो दिन तक उस वजन को उठा कर रखा। मतलब सुपरमैन ने अर्थ के वेट के साथ बेंच प्रेस मारी, जिससे आप सुपरमैन की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। सुपरमैन की जो बॉडी है वो इंडेस्ट्रक्चेबल है, मतलब उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। बुलेट्स भी उसकी बॉडी को छूती हैं तो वो भी पिचक जाती हैं। सुपरमैन को बुलेट्स, मशीन गन, मिसाइल्स, टैंक रॉकेट्स से कुछ भी नहीं हो सकता। सुपरमैन के पास है हीट विजन की पावर, वो हीट विजन से बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और गाइस सुपरमैन ने तो एक बार टेक्टोनिक प्लेट्स को भी हिला दिया था, मतलब एक प्लैनेट के टेक्टोनिक शायद मुझे याद है, हाँ सुपरमैन ने टेक्टोनिक प्लेट्स को हिला दिया था। और सुपरमैन यार बहुत पावरफुल है, मतलब उसके पास है हीट विजन, मतलब उसकी हीट विजन लगभग मतलब जितना जो टेम्परेचर सन का है ना, उतना ही सही सुपरमैन की हीट विजन का है। सुपरमैन फ्रीज ब्रेथ फायर कर सकता है, मतलब वो अपने मुंह से ऐसी फूक, मतलब अपनी फूक मार सकता है जिससे कि दूसरा जो अपोनेंट है ना वो फ्रीज हो जाए। और गैस उसके पास सुपर ब्रेथ भी है, जिससे वो गैस अपने फूक से ही टॉर्नेडो खड़े कर सकता है। एंड सुपरमैन के पास और भी काफी पावर्स हैं, एबिलिटीज है। सुपरमैन हवा में फ्लाइट कर सकता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लाइट कर सकता है। एक बार तो उसने फ्लैश को भी टक्कर, मतलब फ्लैश को हरा नहीं पाया था, फ्लैश के बराबर टक्कर मतलब दे दी थी फ्लैश को, इतनी स्पीड है अपने सुपरमैन की। एंड सुपरमैन के पास बहुत ही पावर्स एबिलिटीज है। मैं आपको कितनी पावर्स एबिलिटी बताऊँ सुपरमैन की, बहुत पावर्स एबिलिटीज है सुपरमैन के पास। सुपरमैन डीसी के बहुत ही बड़े बड़े, मतलब डीसी के बहुत ही बड़े बड़े विलन से पंगा ले चुका है, जैसे कि डार्क साइड, ब्लैक एडम और डूम्सडे। और सुपरमैन के तो सबसे पावरफुल वर्जन की बात करें कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, तो भाई आप भूल ही जाओ, फिर कोई उसे लड़ पाएगा। और मिल्कमैन सुपरमैन भाई साहब गए। अभी हम बात करें ब्लैक सुपरमैन की, तो अब कंटिन्यू करेंगे आगे नेक्स्ट कॉमिक। आप बताओ कि कैसे एस गार्डियंस हमारे ब्लैक सुपरमैन को डिफीट कर सकते हैं। हाँ हाँ भाई, मैं मानता हूँ कि ब्लैक सुपरमैन काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि एस गार्डियंस के पास हेला एंड ओडिन जैसे पावरफुल गॉड्स है।
तो चलो यार देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा बहस नहीं करेंगे हम, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, देखो ब्लैक सुपरमैन नॉर्मल एस्गार्डियंस के साथ लड़ेगा तो नॉर्मल एस्गार्डियंस को वो काफी आराम से हरा देगा, क्योंकि नॉर्मल एस्गार्डियंस के पास नॉर्मल ह्यूमन से सिर्फ 2 या 3 गुना ज्यादा ही स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी होती है। उनके पास कोई स्पेशल पावर एबिलिटीज नहीं होती है, तो इन सभी नॉर्मल एस्गार्डियंस को सुपरमैन आराम से हरा देगा, उसको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब वो वैल्करी आर्मी और नॉर्मल जो वॉरियर्स थे ना, वॉरियर आर्मी एस्गार्ड की, उनके साथ लड़ेगा तो उसको क्वांटिटी में दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारी आर्मी है ना पूरी, तो ब्लैक सुपरमैन को इसमें दिक्कत होगी। लेकिन इन द एंड ब्लैक सुपरमैन इनको भी हरा सकता है, क्योंकि यार देखो पावर एंड एबिलिटीज में तो कोई मैच ही नहीं, क्योंकि सुपरमैन गॉड लाइक बींग है। और देखो ये जो वॉरियर्स है ना, ये काफी स्किल्ड फाइटर होते हैं, लेकिन सुपरमैन के पास उसका हीट विजन है एंड उसकी जो पंचेज है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा है। उसने टेक्टोनिक प्लेट्स को लिफ्ट किया, तो आप समझ सकते हो उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी, उसकी पंचेज में कितना दम होगा, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है, उसका हीट विजन मतलब सन जितना गर्म है यार, इन सभी को आराम से हरा सकता है। लेकिन जब ब्लैक सुपरमैन एस गार्डियन रॉयल फैमिली के पास जाएगा तो उसको काफी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले अगर वो थोर के साथ लड़ेगा तो एक्चुअली में एंड गेम वाला थोर जो है ना, वो ब्लैक सुपरमैन को टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ब्लैक सुपरमैन को काफी पावरफुल कर दिया है और एंड गेम वाले थोर को वीक कर दिया है। और अगर इन्फिनिटी वाले की बात करें तो शायद वो ब्लैक सुपरमैन को टक्कर दे सकता है काफी अच्छी वाली, लेकिन एंड गेम वाला थोर टक्कर नहीं दे पाएगा। और अगर सुपरमैन लोकी के साथ लड़ने को जाएगा तो यार स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी में तो कोई मैच ही नहीं है, क्योंकि लोकी के पास स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी सुपरमैन जितनी नहीं है, वो स्पीड भी नहीं है भाई, बट हाँ उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है और टेलीकाइनेसिस की पावर है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि लोकी के पास मैजिक मैनिपुलेशन की पावर है, और कॉमिक में तो उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक की बात नहीं कर रहे हैं। बट हाँ हम सभी को पता है कि सुपरमैन की वीकनेस मैजिक है, तो शायद लोकी अपने मैजिक मैनिपुलेशन की वजह से अपने सुपरमैन को थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। ठीक है, तो हेला की पावर एंड एबिलिटीज की बात करूं तो जो हेला है वो थोर एंड बाकी जितने भी एस्गार्डियंस हैं, जितने भी वॉरियर्स हैं ओडिन को छोड़ के, उन सभी से बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि हेला ओडिन की पहली बेटी थी और थोर दूसरा था। इसी वजह से हेला के पास कुछ ज्यादा ही स्पेशल पावर एंड एबिलिटीज आती है, लाइक जब तक वो एस्गार्ड में रहेगी उसको मारा नहीं जा सकता है, एस्गार्ड से उसको बहुत सारी पावर्स मिलती रहती है, तो एस्गार्ड में उसको हराया भी नहीं जा सकता है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है एस्गार्ड के अंदर ओडिन के बाद। एंड लिटरली ऐसा नहीं है कि वो एस्गार्ड से बाहर जाएगी तो उसकी पावर एंड एबिलिटीज बहुत कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हेला ने थॉर के म्योनियर को अर्थ में ही तोड़ा था। एंड आप खुद समझ सकते हो जो म्योनियर था वो उरु मेटल से बना था और उसके अंदर ओडिन के कुछ मैजिकल वर्ड्स भी लगे थे, एंड उसके बाद भी हेला ने उस म्योनियर को सिर्फ अपने एक ही हाथ से तोड़ दिया था। हेला जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, उसके ऊपर जो थॉर के पावरफुल अटैक्स थे, जितने भी थे ना लाइटनिंग थंडर अटैक, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, लिटरली उन सारे अटैक्स को हेला बहुत आराम से झेल रही थी। एंड इतना ही नहीं, हेला अपने जो स्वॉर्ड्स बना सकती है ना, वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड्स होती है, जिसकी वजह से उसने थॉर की एक आंख तक को निकाल दिया था। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, थॉर की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, एंड हेला बहुत ही ज्यादा स्किल्ड फाइटर है, उसने ओडिन के साथ मिलकर के बहुत सारी फाइट्स लड़ी है। एंड बात करें ओडिन की, तो देखो यार जो ओडिन है ना, उसकी पावर एंड एबिलिटीज में आपको क्या एक्सप्लेन करूं भाई, वो जितने भी पीछे वॉरियर्स वगैरह बताए, जितने भी हेला थॉर लोकी ये भी बताए ना, ये सारे उसके बच्चे हैं, तो ओडिन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ताकतवर है। ओडिन के पास सबसे ताकतवर आती है ओडिन फोर्स, एंड लिटरली इसकी हेल्प से वो पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ एक ही अटैक में, तो और क्या चाहिए भाई, ओडिन की यही सबसे बड़ी पावर्स है। एंड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी तो सब भी एस्गार्डियन एंड अपने जितने भी हेला थॉर बच्चे हैं ना, उन सभी से बहुत ज्यादा है ओडिन की। एंड आप लोगों को क्या लगता है, एस्गार्डियन वर्सेस ब्लैक सुपरमैन के बीच में कौन विन करेगा? मेरा ओपिनियन तो ये है कि भाई एस्गार्डियन जीतेंगे, बिकॉज रॉयल फैमिली में ओडिन जैसे पावरफुल गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो हाँ एस्गार्डियन का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, और ब्लैक सुपरमैन भाई एस्गार्डियन के रॉयल फैमिली में नहीं दे पाएगा टक्कर। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और हर्ष हब यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा, तो उनको जाकर के फुल सपोर्ट करना, और उनके भी कंटेंट को देखना अच्छा लगेगा, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी आपसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।